वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर ट्रेनी, टेड एंड रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेगलरेंस एंड थॉमस जैन नजर आए थे एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही। प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टन हेड्री क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे सैमेंस फिल्म ने एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेगलरेंस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर ट्रेनी, टेड एंड रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेगलरेंस एंड थॉमस जैन नजर आए थे एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही। प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टन हेड्री क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे सैमेंस फिल्म ने एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहाँ पर थॉमस जेन लॉरेंस फेगलरेंस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर ट्रेनी, टेड एंड रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेगलरेंस एंड थॉमस जैन नजर आए थे एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही। प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टन
हेड्रिक रिचमैन ने, और डिस्ट्रीब्यूट किए थे साइमंस फिल्म ने, एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को, और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की, और रोटेन टोमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेग्लरेंस और थॉमस जोनो, इलिन बेलेयर एट्रेनी, टेड एंड रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे, एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही, प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टन हेड्रिक रिचमैन ने, और डिस्ट्रीब्यूट किए थे साइमंस फिल्म ने, एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को, और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की, और रोटेन टोमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेग्लरेंस और थॉमस जोनो, इलिन बेलेयर एट्रेनी, टेड एंड रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे, एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही, प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टन हेड्रिक रिचमैन ने, और डिस्ट्रीब्यूट किए थे साइमंस फिल्म ने, एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को, और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ।
सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर ट्रेनी, टेड एंड रॉड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटर्न किए थे एडम एलिस ने ही। प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टन हेड्री क्रिस्टमन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे सैमेंस फिल्म ने एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेगरेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द विस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेड्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर ट्रेनी, टेड एंड रॉड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटर्न किए थे एडम एलिस ने ही। प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टन हेड्री क्रिस्टमन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे सैमेंस फिल्म ने एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेगरेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द विस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेड्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर ट्रेनी, टेड एंड रॉड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटर्न किए थे एडम एलिस ने ही। प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टन हेड्री क्रिस्टमन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे सैमेंस फिल्म ने एंड रिलीज किया गया था
मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को, और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की, और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर ट्रेनी, टेड एंड रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे, एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस, और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही, प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टेन हेड्री क्रिस्टमैन ने, और डिस्ट्रीब्यूट किए थे सैमेंस फिल्म ने, एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को, और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की, और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर ट्रेनी, टेड एंड रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे, एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस, और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही, प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टेन हेड्री क्रिस्टमैन ने, और डिस्ट्रीब्यूट किए थे सैमेंस फिल्म ने, एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को, और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ।
सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ, जो कि 2016 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर रेट्रेनी, टेड एंड रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ, जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही। प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टन हेड्री क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे सैमेंस फिल्म ने एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेगरेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ, जो कि 2016 में रिलीज हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर रेट्रेनी, टेड एंड रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ, जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही। प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टन हेड्री क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे सैमेंस फिल्म ने एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेगरेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ, जो कि 2016 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर रेट्रेनी, टेड एंड रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ, जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही। प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टन हेड्री क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे सैमेंस फिल्म ने एंड रिलीज किया गया था
मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड अप मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड अप। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड अप जो कि 2016 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर रेट्रेनी, टेड एंड्रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड अप जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे, एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही, प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टेन हेड्री क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे साइमेंस फिल्म ने, एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को, और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड अप मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड अप। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड अप जो कि 2016 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर रेट्रेनी, टेड एंड्रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड अप जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे, एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही, प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टेन हेड्री क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे साइमेंस फिल्म ने, एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को, और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड अप मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड अप। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा।
स्टैंड ऑफ, जो कि 2016 में रिलीज हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर रेट्रेनी, टेड एंड्रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ, जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे, एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही, प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टेन हेड्री क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे साइमेंस फिल्म ने, एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को, और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ, जो कि 2016 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर रेट्रेनी, टेड एंड्रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ, जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे, एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही, प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टेन हेड्री क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे साइमेंस फिल्म ने, एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को, और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ, जो कि 2016 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर रेट्रेनी, टेड एंड्रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ, जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे, एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही, प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टेन हेड्रिक क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे साइमेंस फिल्म ने, एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को, और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की।
बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेग्लरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर एट्रेनी, टेड एंड रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेग्लरेंस एंड थॉमस जेन नजर आए थे एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही, प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टन हेड्री क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे सैमेंस फिल्म ने एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेग्लरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर एट्रेनी, टेड एंड रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेग्लरेंस एंड थॉमस जेन नजर आए थे एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही, प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टन हेड्री क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे सैमेंस फिल्म ने एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट,
जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर रेट्रेनी, टेड एंड्रॉड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड अप जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे। एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही। प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टेन, हेड्रिक क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे साइमेंस फिल्म ने। एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को, और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड अप मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड अप। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड अप जो कि 2016 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर रेट्रेनी, टेड एंड्रॉड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड अप जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे। एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही। प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टेन, हेड्रिक क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे साइमेंस फिल्म ने। एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को, और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड अप मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड अप। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड अप जो कि 2016 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर रेट्रेनी, टेड एंड्रॉड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड अप जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे। एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही। प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टेन, हेड्रिक क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे साइमेंस फिल्म ने। एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को, और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की।
बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नज़र आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेग्लरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर रेट्रेनी, टेड एंड रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नज़र आए थे एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही, प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टन हेड्री क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे सैमेंस फिल्म ने एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहाँ पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेग्लरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर रेट्रेनी, टेड एंड रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेग्लरेंस एंड थॉमस जैन नज़र आए थे एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही, प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टन हेड्री क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे सैमेंस फिल्म ने एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट,
जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर रेटेनी, टेड एंड्रोड, जेनल डोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही। प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टेन, हेडरी क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे सैमेंस फिल्म ने एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को। रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर रेटेनी, टेड एंड्रोड, जेनल डोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही। प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टेन, हेडरी क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे सैमेंस फिल्म ने एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को। और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर रेटेनी, टेड एंड्रोड, जेनल डोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही। प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टेन, हेडरी क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे सैमेंस फिल्म ने एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को। और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की।
बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेग्लरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर रेट्रेनी, टेड एंड रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही, प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टन हेड्री क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे सैमेंस फिल्म ने एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहाँ पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेग्लरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर रेट्रेनी, टेड एंड रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही, प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टन हेड्री क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे सैमेंस फिल्म ने एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट,
जिसे आईएमटीबी पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर एट्रेनी, टेड एंड्रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे। एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही। प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टेन, हेड्रिक क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे सैमेंस फिल्म ने। एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को, और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे आईएमटीबी पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर एट्रेनी, टेड एंड्रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे। एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही। प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टेन, हेड्रिक क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे सैमेंस फिल्म ने। एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को, और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे आईएमटीबी पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर एट्रेनी, टेड एंड्रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे। एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही। प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टेन, हेड्रिक क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे सैमेंस फिल्म ने। एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को, और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की।
बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेग्लरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर रेट्रेनी, टेड एंड रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेग्लरेंस एंड थॉमस जैन नजर आए थे एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही, प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टन हेड्रिक क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे सैमेंस फिल्म ने एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेग्लरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर रेट्रेनी, टेड एंड रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेग्लरेंस एंड थॉमस जैन नजर आए थे एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही, प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टन हेड्रिक क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे सैमेंस फिल्म ने एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट,
जिसे आईएमटीबी पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर एट्रेनी, टेड एंड्रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे। एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही। प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टेन, हेडरी क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे सैमेंस फिल्म ने। एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को। रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे आईएमटीबी पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर एट्रेनी, टेड एंड्रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे। एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही। प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टेन, हेडरी क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे सैमेंस फिल्म ने। एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को। रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे आईएमटीबी पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर एट्रेनी, टेड एंड्रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे। एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही। प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टेन, हेडरी क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे सैमेंस फिल्म ने। एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को। रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की।
बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर रेटेनी, टेड एंड रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे। एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही, प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टेन हेड्रिक क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे सैमेंस फिल्म ने। एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को, और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर रेटेनी, टेड एंड रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे। एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही, प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टेन हेड्रिक क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे सैमेंस फिल्म ने। एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को, और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट,
जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर ट्रेनी, टेड एंड रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड अप जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे। एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही। प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टेन, हेड्री क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे सैमेंस फिल्म ने। एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को। रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहाँ पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड अप मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड अप। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड अप जो कि 2016 में रिलीज हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर ट्रेनी, टेड एंड रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड अप जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे। एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही। प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टेन, हेड्रिक क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे सैमेंस फिल्म ने। एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को। रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड अप मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड अप। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड अप जो कि 2016 में रिलीज हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर ट्रेनी, टेड एंड रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड अप जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे। एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही। प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टेन, हेड्रिक क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे सैमेंस फिल्म ने। एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को। रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की।
बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहाँ पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर रेट्रेनी, टेड एंड रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे, एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही, प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टेन हेड्रिक क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे साइमेंस फिल्म ने, एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को। रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर रेट्रेनी, टेड एंड रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे, एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही, प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टेन हेड्रिक क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे साइमेंस फिल्म ने, एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को। रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट,
जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर रेटेनी, टेड एंड्रॉड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड अप जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही। प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टेन हेडरी क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे सैमेंस फिल्म ने एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड अप मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड अप। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड अप जो कि 2016 में रिलीज हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर रेटेनी, टेड एंड्रॉड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड अप जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही। प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टेन हेडरी क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे सैमेंस फिल्म ने एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड अप मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड अप। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड अप जो कि 2016 में रिलीज हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर रेटेनी, टेड एंड्रॉड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड अप जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही। प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टेन हेडरी क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे सैमेंस फिल्म ने एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की।
बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेग्लरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर एट्रेनी, टेड एंड रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेग्लरेंस एंड थॉमस जेन नजर आए थे एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही, प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टन हेड्री क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे सैमेंस फिल्म ने एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेग्लरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर एट्रेनी, टेड एंड रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेग्लरेंस एंड थॉमस जेन नजर आए थे एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही, प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टन हेड्री क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे सैमेंस फिल्म ने एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को और रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड ऑफ मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड ऑफ जो कि 2016 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट,
जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर रेट्रेनी, टेड एंड्रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड अप जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे। एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही। प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टेन, हेड्रिक क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे साइमेंस फिल्म ने। एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को। रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड अप मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड अप। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड अप जो कि 2016 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर रेट्रेनी, टेड एंड्रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड अप जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे। एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही। प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टेन, हेड्रिक क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे साइमेंस फिल्म ने। एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को। रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की। बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड अप मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट मूवी रिव्यू स्टैंड अप। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से जुड़े रिव्यू, फैक्ट एंड कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। स्टैंड अप जो कि 2016 में रिलीज हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.1 की और रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 53% की। गूगल यूजर ने मूवी को 77% लाइक किए थे। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे लॉरेंस फेगलरेंस और थॉमस जोनो, इलिन ब्लेयर रेट्रेनी, टेड एंड्रोड, जेनल ड्रोगलेंस जैसे कई स्टार कास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। स्टैंड अप जो कि 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर में लॉरेंस फेलग्रेस्ट एंड थॉमस जैन नजर आए थे। एंड डायरेक्ट किए थे एडम एलिस और रिटेन किए थे एडम एलिस ने ही। प्रोडक्शन किए थे टॉम क्रिस्टेन, हेड्रिक क्रिस्टमैन ने और डिस्ट्रीब्यूट किए थे साइमेंस फिल्म ने। एंड रिलीज किया गया था मूवी को यूनाइटेड स्टेट में 26 फरवरी 2016 को। रनिंग टाइम थी 80 मिनट मूवी की।
बॉक्स ऑफिस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1.20 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। इस मूवी की थोड़ी स्टोरी की बात की जाए तो मूवी को स्टोरी में आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं, जहां पर थॉमस जेन लॉरेंस फेग्रेस जो कि एक्शन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी की प्लॉट की बात की जाए तो यंग गर्ल नेम ब्रेड फॉर द ड्राउट ऑफ बाय नेम ऑफ द बीस्ट, जो कि एक यंग गर्ल रहती है उसके जो कि नेम ऑफ ग्रेट्स रहती है, जहां पर आपको इस मूवी में एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप भी स्टैंड अप मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।